नमस्कार, एनएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा राणा। आइए अब नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिका सेना ने इस्लामिक स्टेट के नेता उसाम अल मुहाजिर को उतारा मौत के घाट, ड्रोन के जरिए किया हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे की आज संगरूर कोर्ट में पेशी, बजरंग दल ने गलत बयान को लेकर किया है 100 करोड़ का मानहानि केस। हिमाचल के मंडी में फटा बादल, तबाही का वीडियो आया सामने, दिल्ली की प्रगति मैदान टनल बंद। मेडिकल हेल्प के लिए एआई चैटबॉट का होगा इस्तेमाल, गूगल कर रहा मेड पाम्प पर काम। अब खबरें विस्तार से। न्यूज़, यूएस सेंट्रल कमांड ने पूर्वी सीरिया में ड्रोन हमले के इस्तेमाल स्टेट के एक नेता उसामा अल मुहाजिर को 7 जुलाई को मार गिराया है। मिली जानकारी के मुताबिक कमांडर ने कहा कि यह हमला MQ-9 रीपर ड्रोन द्वारा किया गया था। कमांडर का कहना है कि IS केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि एक बड़े स्तर पर खतरा बनकर उभरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बजरंग दल केस, बजरंग दल को लेकर गलत बयानी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज संगरूर कोर्ट में पेश होना है। बजरंग दल ने खड़गे पर 100 करोड़ का मानहानि केस किया है। संगरूर की जिला अदालत के सिविल जज रमनदीप कौर ने मामले में खड़गे को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था। उत्तर भारत में ज्यादातर राज्यों में बारिश का कहर बरस रहा है। राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल के मंडी में तेज वर्षा जारी है तो वहीं हरियाणा द्वारा यमुना में 1,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ने जाने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा है। गूगल वर्किंग ऑन AI चैटबॉट मेड पाम दैट कैन आंसर मेडिकल क्वेश्चंस। गूगल एक ऐसे AI चैटबॉट मॉडल पर काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल कर यूजर्स मेडिकल से जुड़े सवालों में मदद पा सकेंगे। इस AI चैटबॉट को मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। गूगल के इस AI चैटबॉट का नाम मेडपाम है। अभी यह मॉडल अपनी शुरुआती स्टेज पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए NMC न्यूज़ के साथ।